मॉर्निंग, फिर से स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। तो आज है संडे, लेकिन कुछ खास नहीं है क्योंकि मतलब अभी बारिश का मौसम है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सुबह का वेदर देखते हुए ऐसा लग रहा था ओ वाओ आज धूप देने वाला है, एकदम अच्छा क्लियर सा बादल। जैसे मैं ब्रश करने कर रही थी, जैसे मैं ब्रश करना शुरू किया, बारिश शुरू हो गया बहुत जोरों शोरों से। तो कल जब हम लोग खाना खा रहे थे, उधर से आके मतलब बाहर से डॉक्टर को दिखाने के बाद आके हम लोग ने खाना वाना ब्रेस करके खाना वाना खाए थे, खाते खाते ही लाइट चला गया था। तो सारा किचन जो है ऐसे करके छोड़ना पड़ा मेरे को। इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कब आया, मेरे को पता ही नहीं लगा। उसमें खाओ के हम लोग बेबी भी मतलब दवाई खा के वो सो गई थी, तो हम लोग भी जाकर सो गया। मैंने ना वीडियो एडिट किया, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया हूँ। तो किचन घर ऐसे ही छोड़ के चले गए हम लोग बेड में। तो अभी ये सारा चीज़ें अभी मुझे क्लीन करना है। आज बनाऊंगी मैं यहाँ पे बनाना का, ये जो कल जो लेके आए थे, मेरे को बहुत टेस्टी लगता वो सब्ज़ी, बनाना से रिलेटेड कोई भी सब्ज़ी, सिर्फ बनाना को छोड़ के। तो अभी जो है अपना काम ये जो है ये शुरुआत करते हैं। आरू तो यहाँ पे अपना झूला पे चला गया, थोड़ा सा आज बेटर फील हो रहा है उसको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जस्ट कल से इतना हाई फीवर से उठी है आज सुबह, थोड़ा सा स्माइल। जब फीवर आ रहा था कल, एकदम चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़ के ऐसे बैठा हुआ था, आज थोड़ा सा सग रही है। क्या बुखार आ गया, थोड़ा खांसी भी क्या आ रहा है क्या, अहम हम कर रही है। लास्ट ईयर भी ऐसे फीवर हुआ था। तो चलिए काम को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सब्जी लेके आया है, पापा सुबह सब्जी लेने के लिए चला गया था, तो ये सारा चीज़ें लेके आया है। पूरा धनिया 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 बहुत सारे लेके आए। और यहाँ पे आलू, ये क्या है, बीन्स ही होगा, टमाटो, ये क्या है, हाँ बीटरूट, और वो क्या बोलते हैं लेडी फिंगर, ये सारे सब्जी, करेला, ये भी बीन्स है, ये भी बीन्स है, थ्री टाइप का बीन्स लेके आए हैं। और ये सारे ग्रीन लीफ यहाँ पे है, प्याज, लहसुन, ये सारा चीज़ें लेके आया है। और यहाँ पे लेके आया है यहाँ पे फिश, तो मैं अभी फ़िश बनाऊँगी। और मेरी जो है राइस भी रेडी है, मतलब अभी तक पकाई नहीं हूँ, कुकर पे रेडी करके रखी हूँ। दाल और एक वेजिटेबल, अभी जस्ट अभी बस फिश पकाऊँगी, उसके बाद हम लोग का आज का डिनर हो गया है रेडी। तो चलिए फिश को धोती हूँ और जल्दी जल्दी मैं फ़िश बना लेती हूँ। तो हम लोग एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से वीडियो ऑन किया हूँ। मैंने आप लोग को लास्ट दिखाया था कि मैं का बालकनी में मतलब वो सब्जी निकाल के आप लोग को दिखा दिया, फिर मैंने बोला कि ये फ़िश पकाऊंगी, फिर फिश पका के हम लोग ने खाना वाना खा के आरू ने नैप लिया, पापा ने मूवी देखा, मैं अपना काम किया। उसके बाद अभी हो गया है 6 o'clock हो गया है, मैं और बेबी दोनों रेडी हो चुका है, पापा रेडी हो रहा है। हम लोग कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वो वहाँ जाके ही मैं बताऊँगी। तो चलिए, ओ तो बाहर ना आज इतना मतलब अच्छा मौसम है, सुबह तो मतलब थोड़ा बारिश ऐसे कुछ चल रहा था, पूरा दिन मतलब धूप दिया, अच्छे से कपड़े सूखे, मैंने कपड़ा भी धो के सुखा दिया था, वो भी सूख गया है एकदम अच्छी तरह से, कपड़े में मतलब सनलाइट लग गया है, बहुत ब्यूटीफुल वाला डे था आज, एकदम ख़त्म नहीं हुआ है एक्चुअली अभी तक। बाहर अभी भी धूप दे रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे रेडी हो गई है हॉर्स, दिखाओ हेयर स्टाइल, दिखाओ आरू का, ये देखो आरू का हेयर स्टाइल, ये ब्यूटीफुल। तो चलिए चलते हैं।
केएफसी आए, केएफसी आया था एक्चुअली खा के। हम लोग बाहर निकल रहे हैं अभी, जूदियो जा रहे हैं फिर से कुछ काम के लिए। आरू का एक ड्रेस उठाना है उधर से क्योंकि हम लोग को चाहिए। तो हम लोग केएफसी खाने इसलिए आए क्योंकि आरू का जो बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है वो पेंडिंग था, है ना? यस, बर्थडे पेंडिंग था। तो काका ने हम लोग को बर्थडे का ट्रीट दिया है आरू का। इधर इधर इधर, कैन यू से काका थैंक यू। थैंक यू फॉर केएफसी पार्टी। यस, तो अभी केएफसी दुकान, अभी सारे दूधी और जिनके मैंने अभी बोले थोड़ी देर पहले, आरू का कोई एक ड्रेस खाना है हम लोग को, तो चलिए चलते हैं। लास्ट मंथ आया था हम लोग, मुझे नहीं लगता कि कलेक्शन में उतना चेंजेस आया भी होगा क्योंकि उतना समय में तो उतना चेंज नहीं होगा। तो फिर से जाके देख रहे हैं, जो चाहिए वो मिलने से तो काफ़ी है, वही लेके हम लोग घर चले जाएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं है उतना। कल पापा का ऑफिस है, आरू का तो कल छुट्टी है, वो नानू का छुट्टी दिया है। एक है इधर जूडियो और एक है बाहर का तरफ। बाहर वाला में हम लोग अभी तक गए नहीं, वो नया खुला हुआ है। अंदर वाला में उसी में ही बेहतर, ठीक है, वो वही बेहतर है। चलो देखते हैं। तो हम लोग को जूडियो में कुछ मिला नहीं था, कलेक्शन उतना अच्छा नहीं था, तो हम लोग जूडियो का ही साइड में ये स्टाइल एंड यूनियन कलेक्शन अच्छा अच्छा मिला है, काफ़ी अच्छा है क्वालिटी सब, जैसे पूरा प्योर कॉटन एकदम अच्छा लगा मेरे को। अब नेक्स्ट टाइम यहीं पे आके देखना पड़ेगा। किड्स का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी का मतलब जो सेट बना के रखे, लेकिन वो लोग ना
से एक ही साथ में नहीं दे रहा था, सबका अलग अलग करके दे रहा है। गाइस हमारा शॉप हो गया। वाह पापा, गाइस हमारा शॉप हो गया है। अरे तो हमारा शॉपिंग हो गया है, हम लोग अभी मॉल से निकल रहा है। जैसे कि मैंने बताया, जूदियो में उतना अच्छा नहीं था, मतलब उतना था, हम लोग को जो चाहिए था वो था, लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था हम लोग को। तो साइट वाला में एक्चुअली हम लोग मैक्स या रिलायंस में जा रहे थे, तो साइट में वही मिल गया हम लोग को, वही वाला उसमें घुस गया। तो कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, लड़की लोग का इयर रिंग्स, नेकलेस, सब कुछ अच्छा था। मैंने उतना कोशिश किया मैंने वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा बेटी जो है वहाँ पे म्यूजिक लगाया था, इतना डांस किया, आस पड़ोस सब लोग देख रहे थे, मजा आ गया, बोल रहे कि डांस कर गए, है ना बाबा? Yeah, yeah. तो हम लोग अभी घर जा रहे हैं, अभी सीधा ही घर जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। कल मंडे है, कल पापा का ऑफिस। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।